दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस समय टेली ईआरपी 9 पर काम हो रहा है, लेकिन टेली 9 पर भी काम होता है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेली 9 पर कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, और उसमें ढेर सारे जो भी फंक्शंस हैं उनको पहले समझते हैं। तो टेली को ओपन करने के लिए उसके आइकन पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और टैली इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सेलेक्ट कंपनी डिसेबल है, हाईलाइटेड नहीं है, जबकि और बाकी इतनी चीज़ें हाईलाइटेड हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। ये जो हमारा सी टैली सोल्यूशन इतना ये लिख के आ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई कंपनी नहीं है, लेकिन जब कंपनी कोई भी रहती है तो इसको स्पेशली करंट स्टेटस बोलते हैं कि कौन सी कंपनी किस नाम से बनी हुई है, नेम ऑफ कंपनी। और यहाँ पे जो दे रहा है लास्ट डेट ऑफ, ये लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब ये कि इसके अंदर वाउचर एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, इसको करंट स्टेटस बोलते हैं। और ये हमारा कैलकुलेटर एरिया होता है, और इस वाले फंक्शन को बोलते हैं ऑप्शन ऑफ गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी इन्फो दे रहा है, अभी आगे खोलेगा तो आपको दिखेगा। इसके बाद ये जो हमारा होता है एरिया होता है, ये पॉइंट होता है, इसको बटन बार बोलते हैं। अभी हम जब एक कंपनी में आ लेंगे तो ये सारे मैक्सिमम चीज़ें इसमें से एक्टिवेट हो जाएंगे, आप कह सकते हैं इनेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करने के लिए, आप एक यहाँ देख रहे हैं सी जो है रेड कलर में दे रहा है, आप चाहे कीबोर्ड से सी प्रेस कर लीजिए, चाहे इंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी जो दिखा रहा है कि हमारा जो डेटा सेव होगा, मतलब कंपनी बनेगी वह कहाँ पर सेव होगा। इसके बाद ये नेम दे रहा है आप किस नाम से कंपनी को बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपने नाम से लेकर चलता हूँ। इंटर करेंगे और यहाँ पे एड्रेस दे रहा है, तो हम जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस है, जहाँ पे कंपनी है काम कर रही है वहाँ का एड्रेस आपको लिखना होगा। तो मैं अभी लिख देता हूँ सीधे 22/4 जनकपुरी न्यू दिल्ली। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे दे रहा है टैली का प्रयोग आप जानते हैं इंडिया के अलावा कई और देशों में किया जाता है। तो इंटर प्रेस करेंगे, स्टेट यहाँ पे दे रहा है तो स्टेट हम दिल्ली चूज कर लेते हैं। पिन कोड आप कुछ भी वहाँ जो जो भी पिन कोड होगा वहाँ का आपको पिन कोड डालना होगा। चलिए मैं कुछ भी ऐसा टाइप कर देता हूँ, ऐसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, टेलीफोन नंबर और कंपनी का जो भी ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी टाइप करना होगा। अब हमारा जो इंडिया में जो भी पैसे का लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वह रुपीज में होता है। फिर इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, टाइप ऑफ कंपनी है, अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं कि अकाउंट ओनली का प्रयोग क्यों किया जाता है और अकाउंट विथ इन्वेंट्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे अकाउंट ओनली लेकर चलता हूँ और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दे रहा है। तो यह फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक का होता है। तो हम इसको 1 अप्रैल अभी हमारा जो चल रहा है इसको मैं ले लेता हूँ 2020। बुक बिगनिंग फ्रॉम जिस दिन से कंपनी में काम करना शुरू होता है हम इसको ले लेते हैं। इसके बाद अभी हम टैली वॉल्ट पासवर्ड पर भी बनाएंगे आगे वीडियो, तो अभी हम इसको रहने देते हैं और बस इंटर प्रेस करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, यस या नो, तो यस कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, हमारी कंपनी बन के आ गई। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी दे रहा है और लास्ट डेट, इसी को मैंने बताया था करेंट स्टेटस बोलते हैं। अब हम आगे देखिए, हमारा ये गेटवे ऑफ टैली खुल के आ गया। अब मान लीजिए कि हमको, तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सर्ट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा इसका शॉर्टकट होता है Alt F1, तो Alt F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो कंपनी हमारी बंद हो गई। यहाँ पे देखिए अब कोई भी कंपनी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब फिर से हम कंपनी को अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाएंगे, यस प्रेस करेंगे चाहे इंटर प्रेस कर देंगे। स्पेशली वैसे कीबोर्ड टैली में मैक्सिमम सारा काम कीबोर्ड से ही होता है, माउस का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। तो हम इंटर प्रेस कर देते हैं और जो कंपनी बनी हुई है, लिस्ट ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी जितनी भी बनी रहेंगी आप लिस्ट खुल के आ जाएंगे। अभी मैंने एक कंपनी बनाया है इसलिए यहाँ पे एक ही कंपनी दिख रही है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे फिर से देखिए हमारी कंपनी ओपन होके आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, मान लीजिए कि हमें कंपनी के अंदर कुछ
चेंजेस करने हैं। इसके लिए हम क्या काम कर देते करते हैं, कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 दबाते हैं। जैसे अल्ट F3 दबाएंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको अल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। अल्टर पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो हम क्या काम कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। किसी भी हम नाम से बना देते हैं, चलिए सचिन ट्रेवल्स। मान लीजिए मुझे इसका एड्रेस चेंज करना है, तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अगर स्टेट चेंज करना है, आप यहाँ से स्टेट भी जो कुछ भी आप इस बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। उस पर इंटरफेस करते हुए आएंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए यहाँ से भी कंपनी बंद करने का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे, सेट करेंगे, कंपनी हमारी बंद हो गई। अब कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 प्रेस करना होगा, और अल्ट F3 प्रेस करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन दे रहा है, अल्टर पर आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपकी पूरी कंपनी खुल जाएगी, कंपनी अल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अल्ट के साथ डी दबाना है और डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे या वाई दबा सकते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। फिर आपसे कन्फर्म पूछेगा कि क्या मतलब अरे सर वांट टू डिलीट, यस प्रेस करेंगे और आपकी कंपनी डिलीट हो गई है। हमें पूरी टैली से एग्जिट होना है, बाहर निकलना है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, कीबोर्ड से ESC प्रेस करेंगे, फिर ESC प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्वाइट का ऑप्शन दे रहा है यस या नो। तो आप कीबोर्ड चाहे वाई प्रेस कर दें चाहे इंटर प्रेस कर दें, तब भी आपका टैली जो है बंद हो जाएगा।